हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी। आपकी कुछ तालीमात अर्ज करना चाह रहा हूँ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सख्त रियाजतें की, मुजाहिदे किए, दिन भर तबलीग दीन का फरीजा सर अंजाम देते। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब रोजाना इतना लंगर पकवाते थे, इतना लंगर पकवाते थे, इतना वसी लंगर होता था, जितने मर्जी लोग शाम तक आते थे लेकिन वो खत्म नहीं हुआ करता था। लेकिन अपना हाल ये था कि रात की पकी हुई एक रोटी लेते थे, उसको पानी में भिगो लेते थे, कुछ घंटे जब वो भिगोई रहती थी, नरम हो जाती थी, फिर उसको तनावुल फरमाया करते थे। और फरमाते हैं कि जो काम करते हमने ख्वाजा साहब को सबसे कम देखा है वो है खाना खाते और सोते। ये दो काम करते हमने उन्हें बड़ा कम देखा और ज्यादातर उनका वक्त इबादत में, रियाजत में, तिलावत में गुजरा करता था। 50 साल का अरसा उन्होंने इस तरह गुजारा है कि ईशा के बाद थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए घर तशरीफ ले जाते थे, फिर वापस लौटते थे और फजर तक मस्जिद में इबादत किया करते थे। कई दफा हजरत ख्वाजा अजमेर अली रहमा पर वो वक्त भी गुजरा है कि एक एक दिन में दो दो कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। एक दिन में दो कुरान पाक, एक कुरान पाक सुबह में खत्म हुआ, एक कुरान पाक रात में खत्म कर दिया। ख्वाजा साहब अली रहमा इस दर्द के साथ तिलावत फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि वो तो बेदार रहते थे, तिलावत सुनने वाले भी आंखें खोल लिया करते थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला लेकिन नवाफल की कसरत का कोई अंदाजा ही ना था। ख्वाजा साहब की रियाजतें, मुजाहदे, इबादतें, ये सारी चीजें अपनी जगह मुसलमा थी। इसके साथ साथ जब वो अपने खुलफा की, अपने मुरीदों की तरबियत करते थे तो रंग निराला होता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरे शेख, मेरे मुर्शद, मेरे मलजा, मेरे आका हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने मुझे दिल्ली भेजने लगे तो मैंने अर्ज की कि हुजूर कुछ नसीहतें फरमा दें, तो कहते ख्वाजा साहब ने मुझे चार नसीहतें फरमाई, चार बातों का दर्द इशाद फरमाया। सबसे पहले ख्वाजा साहब ने फरमाया, याद रखना दरवेशी इस तरह करना कि बादशाह ही मालूम हो, फकर इस तरह का हो कि तुम्हें तुम बादशाह मालूम हो। और दूसरा, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला ले फरमाने लगे, जब कोई तेरे पास आए ना तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, भूख लगी हो तो उसे रोटी मिलनी चाहिए, कपड़े की जरूरत हो तो उसे खैरात मिलनी चाहिए, इल्म का भूखा हो तो तेरे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार हो, और अगर वो दर्द लेके आए ना तो तुझे तेरे भी आंसू होने चाहिए और सामने वाले को भी आंसू ही नसीब होने चाहिए। हर एक को हर शय दे के भेजना, कोई कमजोरी ना रह जाए। और तीसरे नंबर पे फरमाया, खुशी में तो सारी दुनिया ही हंसती है, जब खुशखबरी आती है तो सभी हंसते हैं, पर कुतुबुद्दीन मेरे साथ वादा कर, सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुसर्रत होनी चाहिए जब रब तुझे आजमाइश में डाले, सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए जब अल्लाह करीम तुझे कोई आजमाइश दे। याद रखना, दुखों में हंसते रहना, उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को उसका तोहफा समझना। कुतुबुद्दीन ये तेरा रंग जब बनेगा तो फिर मैं समझूंगा मैंने तरबियत की। और चौथे नंबर पे फरमाया, याद रखना दुश्मनियां ना पालना, बल्कि दुश्मनी के जवाब में भी दोस्ती पालना, इसलिए कि जो दुश्मनियां पालते हैं वहां बुग्ज पैदा होता है और जो दोस्तियां पालते हैं उनके दिलों में अल्लाह मोहब्बत की खुशबुएं फैला दिया करता है। ये अंदाजे तरबियत हजरत ख्वाजा अजमेर अली रहमा का, ये अंदाज। और फरमाते हर आने वाले के साथ उनका अनोखा रवैया। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ये हाल था कि मैं बड़ा खूबसूरत था ख्वाजा साहब के पास आने से पहले, बहुत सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते थे, तो जब मेरे अंदर कुछ थोड़े से हुस्न था, कुछ खूबसूरती थी, तो मैं उससे आगाह भी था, मैं समझता था। कहते हैं जब हजरत ख्वाजा की खिदमत में आया मैंने कहा हुजूर मुरीद कर लें, तो कहते हैं क्या अंदाजे तरबियत था। फरमाने लगे, जहां पहले ही इतने लोग बसते हों वहां मोइनुद्दीन कैसे बसेरा करेगा, इतने लोगों की मौजूदगी में मैं कैसे आऊंगा मियां, पहले इतने बसाए हुए हैं सबको निकाल। तो हजरत ख्वाजा अजमेर अली रहमा ने जब ये कहा तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ले उठ के कदमों में बैठ गए, कहने लगे हुजूर सारा जमाना मेरे पीछे भागता है, पर इस तरफ भी तो गौर फरमाए ना, मैं अगर भागा हूँ तो मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे भागा हूँ, हुजूर मेहरबानी फरमाए। ख्वाजा अजमेर ने बैत फरमाया, जब उठ के बाहर निकले ना तो एक शख्स कहने लगा हुजूर ये नौजवान है, मैं इसको जानता हूँ, इस तरह के नौजवान यूं ही होते हैं। फरमाया अच्छा तू जानता है ना,
पर मोइनुद्दीन का बनने से पहले जानता था। अब ये मेरा बन गया, अगर जानना हुआ ना तो जरा जा गली में कुछ लोगों से बात कर रहा है, देख ले क्या बात हो रही है। ख्वाजा हमीदुद्दीन बाहर निकले तो पुराने यार मिलने आ गए। उन्होंने कहा चलो। आप फरमाने लगे मियां अब नहीं जाना, अब दो गलियां याद करनी है, एक जो शेख के घर जाती है और दूसरी जो वापस आती है। अब दोबारा भाई कहीं भी नहीं जाना। ने कहा जनाब वो फुलां भी बुला रहा है। ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब ने कोई बड़ा ही जुमला बोल दिया। फरमाने लगे वो बुला रहा है तो क्या हुआ, अब तो जन्नत की हूर भी बुलाएगी तो नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब मैंने तरबियत ले ली है, अब मैंने फैज ले लिया है, अब मैंने उधर ही तवज्जो रखनी है जहां का मैं हो गया हूँ। एक दर फड़िए मुहकम फड़िए फिर एक दई होके मरिए, यक दर गिर ते मुहकम गिर। ये जगह जगह जाने का क्या मतलब, ये तरबियत है, ये अंदाज है, ये मियार और ये स्टेटस ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को सिखाया। इतनी इबादत है, इतनी रियाजत है, इतनी तरबियत है, फिर भी रो पड़े हैं, फिर भी बुढ़ापा आया है तो तड़प उठे, फिर भी चंद खुलाफा को करीब बुलाया है तो हजरत मोइनुद्दीन कहने लगे मेरे लिए दुआ करो। तो कहा हुजूर 90 साल के करीब उम्र हो गई, जिंदगी भर आपको वुजू में देखा हुजूर, जिंदगी भर सजदे में देखा, जिंदगी भर रानाई में देखा, तबलीग में देखा, खिदमत में देखा, लोगों को खिलाते देखा, घर के अंदर से लेकर बाहर तक हमने आपको दूसरों का सोचते ही देखा, आपने तो अपने लिए सोचे कुछ नहीं तो रोते क्यों है, दुआ क्यों कराते हैं। फरमाने लगे यार जिंदगी पूरी अमल किए हैं लेकिन मेरे लिए दुआ करना, कहीं ऐसा ना हो कि आमाल की गठड़ी लेकर जब रब की बारगाह में जाऊं तो मालिक कहे कि अमल तो बड़े हैं पर मेरे लायक कोई भी नहीं, बड़े अमल हैं पर मेरे लायक कोई है तो बता यार, ये जितनी गठड़ी है ना आमाल की तुम्हें बड़े बड़े हसीन नजर आते हैं पर इनमें से कोई मालिक के लायक बन जाए, मेरी कोई कबूलियत हो जाए, मेरी कबूलियत मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, इत सदके जावा उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवे नाल निभाई। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, इल्तजा करो कि मेरी कबूलियत हो जाए। इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादहिल उलमा, कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम होते हैं उनमें खशियत होती है, उनमें खौफ होता है, वो चूंकि जानते ज्यादा हैं तो वो डरते भी ज्यादा हैं, उनके अंदर एहसास भी ज्यादा होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कसरत कलाम करने वाला तो आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। कसरत कलाम वाला तो आलिम नहीं, वो जिसके दिल में खशियत ज्यादा है वो बड़ा आलिम है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब को जानने वाला हूँ और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता ज्यादा हूँ तो मैं अपने रब से डरता भी ज्यादा हूँ। हजरत ख्वाजा अजमेर अली रहमान ने तरबियत की, लोगों के मिजाज सवारे, लोगों के दिल सवारे, और ख्वाजा साहब ने तरबियत की और तरबियत के मराकज भी कायम फरमाए। अजमेर के फैजान से फिर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मरकज कायम हुआ, फिर उसी फैजान से पाक पतन में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का मरकज कायम हुआ, फिर उसी फैजान से ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी का मरकज कायम हुआ, फिर उसी फैजान से मुहार शरीफ का मरकज कायम हुआ, फिर उसी फैजान से पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तौंसवी का मरकज कायम हुआ, फिर उसी तरबियत की रोशनी में हजरत शम्सुल आरिफीन सियालवी तैयार हुए, फिर उसी तरबियत की रोशनी में पीर मेहर अली शाह जैसे लोग तैयार हुए, फिर उसी तरतीब से उसी रोशनी ने बड़े बड़े मशायख को तरतीब दिया, इसलिए कि वो मुरतब करने वाले थे, वो तरतीब देने वाले थे, वो काम करने वाले थे, बंगले कोठियां जायदादें मकान और गाड़ियों के साथ लोगों के सामने नमूदार नहीं हुए, वो हुए तो अपने तरबियत याफ्ता खुलाफा के साथ नमूदार हुए, उन्होंने तरबियत की मराकज बनाए। दुआ करें अल्लाह ताला हमें तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए।